सेनेट इलेक्शन का हंगामा, दो नशिस्तों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल का नून लीग के साउथ मजीद से मुकाबला, खवातीन की नशिस्त पर सेमी एसी और सायरा अफजल तारर मत मुकाबल, नून और जनूब के जीत के दावे। खुदा का खौफ करें आप, ये क्या ये असेंबली है, बदमाशी लगाई हुई है यहाँ पे, ये कोई थाना नहीं है यार, आप क्या कर रहे हैं, आप धक्के दे रहे हैं, ये हमारे एमपीएस हैं, इनको धक्का दे रहे हैं आप यार, वो खुदा का खौफ करें आपकी वाली बात, ये स्पीकर साहब के अपना इंस्ट्रक्शन पे आप ये काम कर रहे हैं, आज सेनेट का इलेक्शन है, कोई लिस्ट की बात नहीं है। पोलिंग शुरू होते ही लीगी अरकान उलझ पड़े, सिक्योरिटी गार्ड से झड़पे, लीगी अरकान असेंबली का गेट बंद करने का इल्जाम, हमजा शहबाज गेट पर स्टाफ को रोके जाने पर बरहम, सिक्योरिटी गार्ड से तलख कलामी, आप हमारे मुअज्जज अरकान को धक्के दे रहे हैं, क्या स्पीकर के कहने पर अरकान को रोका जा रहा है, हमजा शहबाज ने सिक्योरिटी गार्ड को पीछे हटा दिया। हमें वोट नहीं डालने दिया जाता, अब ये सेनेट के वोट जो है मेंबरान को रोक रहे हैं, जबरदस्ती इस तरह से कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे हार नजर आ रही है, इन्होंने कहा इस तरह वोट का हक छीना जाएगा, पहले डाका डाला 12 वोटों का, अब इस तरह हक छीना जाएगा, दरवाजे बंद कर। हमजा के जाने के बाद लीगी अराकीन की सिक्योरिटी गार्ड से फिर झड़प, गार्ड्स ने मरकजी गेट बंद कर दिया, लीगी अराकीन ने वॉक थ्रू गेट हटा दिया, फुटपाथ पर धरना, नारेबाजी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, एमपीए अशरफ रसूल की गार्ड से तल कलामी, लीगी अराकीन हमजा शहबाज के स्टाफ को भी अंदर ले गए। पोलिंग के दौरान अरकान असेंबली के मेहमान अंदर नहीं जा सकते, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिसको शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन से राबता करे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, किसी भी रुकन असेंबली को रोका और ना किसी के लिए दरवाजे बंद किए, एहतजाज करना है या पुरमन रहना है ये नून लीग की अपनी मर्जी है। सुबह वजीर कानून राजा विशारत का लीगी अरकान के एहतजाज पर रद्द अमल। एहतजाज करना चाहते हैं किस बात पर, आप मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, आई इंश्योर यू इंशाल्लाह ताला एक एक वोट पोल हो, किसी को कतई तौर पर अंदर जाने से नहीं रोका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वोट कास्ट करने पहुंच गए, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, नियाज असलम इकबाल, सप्तैन खान, डॉक्टर यास्मिन राशिद कियामत, राना मोहम्मद इकबाल, जकिया शाहनवाज, सादिया सुहेल राना, इरफान दोलताना समेत दीगर अराकीन भी वोट कास्ट करने के लिए आए। नून लीग के ताहिर खलील सिंधु ने पहला वोट कास्ट किया, 369 अराकीन खुफिया राय शुमारी से अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। नून और जनून की अपनी अपनी जीत के दावे, नंबर गेम में पीटीआई सबसे आगे, काफ लीग के 10 अरकान की हिमायत के साथ हुक्मरान इतिहाद के वोटों की तादाद 190 है, राह हक पार्टी और आजाद अरकान की भी हिमायत हासिल होने के लिए ऊपर उम्मीद, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान की हिमायत के साथ मुस्लिम लीग नून को 174 अरकान की हिमायत हासिल। तशवीश नहीं, हमें तो पोलिंग खत्म होने का इंतजार है, आजाद उम्मीदवार भी हमें वोट देंगे, तमाम अराकीन से मुलाकातें और टेलीफोनिक राबते हैं, वलीद इकबाल को यकीनी जीत की पुरमीद, पीटीआई अराकीन नून लीग को वोट देकर हुकूमत के खिलाफ फैसला देंगे, लीगी उम्मीदवार साउथ मजीद भी पुरासन। हम पुर उम्मीद हैं जीत हमारी होगी, कोई रुकन नाराज नहीं, काफलिक समेत सब इतिहादी हमारे साथ हैं, पीटीआई उम्मीदवार सैमी जैदी अरकान असेंबली हुकूमती पॉलिसी से नाला है, हुकूमत के अपने लोग हमें वोट देंगे, सायरा अफजल तारड़ की पेशगोई। और इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे, सहाफी का सवाल, हम सब उम्मीद से हैं, हमजा शहबाज का जवाब, ऑपोजिशन लीडर का लीगी अराकीन के लिए स्पेशल नाश्ता, हलवा पूरी, मटन और चिकन की टिकियां, देसी घी के मीठे पूड़े, सादा कतलम्बा, नान चने, लस्सी और चाय पेश।